नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत पेट्रोल पंप पर नामालूम अफराद ने बंदूक की नोक पर तोड़फोड़ करते हुए अमले पर किया हमला। तफसीलात के मुताबिक पीर की सापहर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत मौजूद HP पेट्रोल पंप पर एक नामालूम शख्स आया और अपनी गाड़ी में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया। जब पैसे देने की बारी आई तब इसने पैसे ना होने की बात जाहिर की, जिस पर अमले ने कहा कि आप यहीं पर रह के किसी और को बुलाए या फिर गूगल पे के ज़रिए पैसे अदा करें। लेकिन वो शख्स गूगल पे से भी अदा करने से कासिर था, जिसके बाद उसने फ़ोन करके किसी को बुलाया, जिसके बाद एक गाड़ी पर दो अफराद आए जिनके हाथों में मोहल्लिक हथियार और एसिड की बोतल थी। फौरी तौर पर इन लोगों ने आते ही पेट्रोल पंप के अमले के करीब गाड़ियों को तबाह कर दिया और एक शख्स ने बंदूक दिखाकर हंगामा आराई की, जिसके बाद इन्होंने मैनेजर के कमरे में लगे हुए शीशों को भी तोड़ फोड़ दिया। मालिक को भी हमला करते हुए शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। इस हमले में मालिक और एक स्टाफ शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इतला मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस ने मौके पर पहुँच कर इनमें से एक शख्स को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश है क्राइम कंट्रोल न्यूज़ की एक खसूसी रिपोर्ट। चाकू और आज क्या हुआ है? आज पेट्रोल डाले 500 का, तो पैसे नहीं है बोल के बोले उन्होंने। रोको पैसे दूसरे से मंगाओ बोले उन्होंने। तो एक और एक आदमी आके गन लेके और चाकू लेके आया और अंदर जाके साहब को मारे, सेठ को, सुपरवाइजर साहब को। गोली मारे? गोली नहीं, हाथ से मारे, एसिड डाल रहे थे। हाथ में चाकू? हाँ, गन थी, चाकू थे, एसिड की बोतल थी। टोटल कितने जने चल रहा? दो जने थे, एक बाहर खड़ा था। टोटल तीन जने? हाँ, एक जने बाहर खड़ा था। एक ही गाड़ी पे आए थे? एक गाड़ी पे। कितने जने जख्मी हुए? किसको मारा? दो तीन जनों को लगे। दिल्ली? हाँ, सेठ को मारे, सुपरवाइजर को और हमारे इलियास भाई को मारे। क्या टाइम पे हुआ ये? ये 4-5 बजे के टाइम पे। पुलिस कंप्लेंट करे आप लोग? हाँ करे। उसे PS में करे? ये बहादुरपुरा से। कहाँ है आपका बम? ये बहादुरपुर भाई। जो जख्मी हुए उनके नाम बोलो। नाम बोलो, चाचा का नाम बोलो। दिलीप साहब है उनका नाम। क्या नाम है? दिलीप। दिलीप साहब वो बोल सुपरवाइजर है। चाकू से मारे? हाँ, हाथ से मारे। और पहले भी कभी ऐसा करे थे क्या लोग? नहीं नहीं। और कौन जख्मी हुए? और दूसरे कोई भी नहीं। सेठ को मारे, लाता मारे सेठ। हाँ, 500 उधर बिठाए थे वो लगा उनको, तो उन्होंने नहीं है पैसे बोल के बोले। आप क्या थे क्या? ड्रिंकिंग कंडीशन में थे? हाँ, पी के थे। अंदर से कुछ कैश वैश दिए क्या? नहीं, कैश नहीं लिए। हाँ, वो फोड़ के चले गए, फोड़ के चले, कैश नहीं लिए। ओ, ऑफिस आईने फोड़े और सुपरवाइजर को बहुत मारे हो। एक थे, एक एसिड की बॉटल था और गन और वाड़ भी था। हाँ, एक को पकड़े हो? एक को पकड़े? हाँ, एक भाग गया और रिवॉल्वर गन वाला भाग गया। आपका नाम? लक्ष्मण। क्या काम करते हो? गैस पे करता हूँ मैं। सर नमस्कार साहब, मेरा नाम प्रतु मेहता है, मेरा पेट्रोल पंप है बहादुरपुरा इंडियन ऑयल का, पुराना पुल से आप जब बहादुरपुरा आते हैं लेफ्ट साइड में पहला पंप आता है। आज शाम में करीब 4 या 5 बजे के वाक़े एक बंदा आया था पेट्रोल डलाने 500 रुपये का। 500 का पेट्रोल डला के वो गूगल पे करने की ट्राई करी, वो गूगल पे काम नहीं आया, ऑपरेट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं होने से हम बोले भाई आप पैसे दे दीजिए। और गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट भी थी, उन्होंने पी के भी थे। उस दरमियान उन्होंने क्या करे, या वहाँ फ़ोन करे, कोई आया नहीं। फिर बोले भाई आप कल दे दो। बोला भाई आप, मैं आपको जानते पर्सनली, हम जानते नहीं आपको, कैसा भरोसा करें? आप किसी को बुला लीजिए या साथ में बंदा भेजेंगे, आप पैसे दे दीजिए। नहीं ठीक है, मैं मंगाता हूँ। अगर फिर 10-15 मिनट किसी फ़ोन करे, बात करे, मतलब हम भी बोले मंगाते होंगे, हम वेट कर रहे थे। दो लोग बाद में मोटरसाइकिल पे आए, एक के हाथ में एसिड की बोतल थी, वो एसिड था क्या था मेरे नहीं मालूम, सेम एसिड कैसे थी और बोतल थी, एक गन था, एक चाकू था, गन का पिछला हिस्सा देखा मैं उसका, और धमकाना शुरू करे। बाय द टाइम हम कुछ करें तो वो लोग तोड़म फोड़ी शुरू करें, तो हम क्या करें, इमीडिएटली PS को आए। आपसे मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात भी। उन्होंने बोले कहीं कौन, उन्होंने बोले कहीं को मारे, बोला ना हम ना मारे ना गाली दी, हम बोले पैसे दो और मारे हैं कि पैसे देना, पैसे दे दीजिए, पर्सनल कष्ट तो है नहीं उनसे मारने के लिए। PS को आए हम, PS को आगे PA पुलिस वालों को ले गए तक पूरा पंप तबाह कर दिया, ऑफिस तोड़ दिए, 70 ईयर्स के बड़े आदमी बेचारे बुजुर्ग हैं उनको मार दिए पचकड़ा, उनके बाप की उम्र का क्या फ़ायदा काम करके।
उनका नाम दिलीप गांधी है सर। उन बेचारा ऑलरेडी ओपन हार्ट सर्जरी पर पेशेंट है। इंजर्ड एक आदमी है सर, बाकी पूरे जो है ओपन था सब। यहाँ नुकसान साफ हुआ होगा करीब 50,000 रुपये ये ऊपर ही होगा। देखना भी असेस करना भी यही है, पीएफ में है जब से हुआ। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।